प्रदेश की तरफ से मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव एडवोकेट राजीव शेख ने आज पत्रकार परिषद लेके हम लोगों ने हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब के लिए जेट पर सिक्योरिटी की मांग हुकूमत से की है। गोंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 7 कारपोरेटर जो है समाजवादी के चुन के आए हैं, बहुसंख्यक कारपोरेटर समाजवादी के हैं, वहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और हमारे नेता एक जमाने से जो है तो पीड़ितों की बात कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा और विधानसभा की पार्श्वभूमि पे सरजमीन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है, इसलिए कांग्रेस ही जो है तो हमारे नेता की गाड़ी 2 बजे रात के 2 बजे अड़ा के हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और झूठा प्रोपेगंडा हमारे नेता के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। हम हुकूमत से मांग करते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। वो प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बात करने वाला एकमात्र नेता है जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे खुल के बोलता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इसे नजरअंदाज न करे। हमें मालूम है कांग्रेस और बीजेपी को मॉनिटर करने का जो रिमोट कंट्रोल जो है वो आरएसएस के हाथ में है, इसके बावजूद भी हम बीजेपी हुकूमत को बोलते हैं कि अबू आसिम आजमी की जेड प्लस सुरक्षा जो है तो अबू आसिम आजमी को प्रदान की जाए, ऐसी गुजारिश होती है।